इंजन कितना रेव हो रहा है रिक्शा का, मतलब इसकी भी जान निकल रही है। ये लाइन वहाँ से शुरू होती है और ये ऐसे ये घूम के गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। सुबह के 5 बज चुके हैं और आपने जैसे देखा है टाइटल में, तो हम जा रहे हैं इक्विरा। इक्विरा माता हमारी कुलदेवी है, तो नवरात्र चल रही है, तो सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। अराउंड 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, तो अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ से हम हमेशा की तरह गणपति जी के मंदिर जाएंगे। आप अगर पहले से मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि गणपति जी का मंदिर है मेरे घर के पास में ही है। तो अब जब भी हम कहीं दूर जाते हैं, राइड हो या कार से हो, हम हमेशा बप्पा के दर्शन लेते हैं ताकि हमारा सफ़र कुशल मंगल हो। तो चलो अभी यहाँ से मंदिर जाते हैं और फिर सीधा मिलते हैं इक्विरा। वैसे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, इस रास्ते से मैं काफ़ी बार गया हूँ। इनफैक्ट आप अगर पहले से मुझे फॉलो करते हो तो पिछले साल वाला इक्विरा का ब्लॉग भी आपने देखा होगा जब हम गए थे पिछले नवरात्र में। और गोवा से आते वक्त या फिर पूना जाते वक्त, मतलब देवी का स्थान पहाड़ पे, तो मेन हाईवे पे रुक के मैं हमेशा देवी को प्रणाम करता हूँ और फिर वहीं से आगे निकलता हूँ। सो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम हैं फूड कोर्ट में, जो पहला फूड कोर्ट आता है एक्सप्रेसवे पे, हम लोग वहीं पे थोड़ा वॉशरूम ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ से लोनावला ज़्यादा दूर नहीं, मतलब लोनावला के आगे इक्विरा माता का स्थान है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंड नहीं है बट इट्स वेरी प्लेजेंट। अभी भी बारिश ख़त्म हुई है, बारिश मतलब बीच बीच में थोड़ी झलक देती है लेकिन अभी ख़त्म हुई है। और ये अपनी लाल परी खड़ी है, इस नवंबर में इसको 8 साल हो जाएंगे, 9 नवंबर को इसको 8 साल हो जाएंगे। दोस्तों अभी हम इक्विरा पहुंच चुके हैं, अभी हम नीचे हैं, यहाँ से हमको पहाड़ पे जाना है। पहाड़ के ऊपर इक्विरा माता का मंदिर है, तो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो गाइस यहीं से चढ़ाई शुरू होती है, मतलब अभी नवरात्र चल रही है इसीलिए गाड़ियाँ ऊपर अलाउड नहीं है, वरना यहाँ से ऊपर भी पार्किंग है जहाँ तक गाड़ी जाती है। तो अभी हमने यहाँ से ऊपर जाने के लिए, मतलब जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे जाने के लिए रिक्शा हायर की है। एड्रेस 50 रुपीज़ पर सीट, तो 3 लोग हैं, 150 रुपये और है। तो देख सकते हो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, कैमरा में इतना पता नहीं चलता रहेगा लेकिन ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। मतलब अगर आप सीजन ड्राइवर नहीं है वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होगी आपको यहाँ से गाड़ी चढ़ाने के लिए। तो गाइस ऐसे कुछ पार्किंग है, आप देख सकते हो
सो गाइस, ये जो मंदिर आप देख रहे हो इसे पांच पैरी मंदिर कहते हैं। ये पार्किंग के बस नज़दीक है, पास में ही है। तो यहाँ पे पहले माता के दर्शन, यहाँ पे भी दर्शन किए जाते हैं और फिर यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी लोग दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये भीड़ नहीं है, क्योंकि अगर आप वीकेंड को यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे चलने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। गाइस, आप देख सकते हो ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली अभी बारिश हो गई है तो पूरी चारों तरफ हरियाली है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ, यहीं पे इक्विरम आता है। ये आप देख रहे हो, ये केव्स है, और यहाँ से आगे माता का मंदिर है, इक्विरम माता का मंदिर। अगर आपने मेरा पिछले साल वाला वीडियो अगर देखा रहेगा तो यहाँ से ना ऊपर से पानी बह रहा था काफ़ी सारा, तो पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, इसी वजह से ये सूखा है। अब भीड़ देख सकते हो, अरे मैं तो आगे चले जा रहा था, लाइन यहीं से। तो गाइस, भीड़ काफ़ी है, आपको मैं दिखाता हूँ ये लाइन कितनी है यहाँ पे, आप भी हैरान हो जाओगे। ये लाइन वहाँ से शुरू होती है और ये ऐसे ये घूम के ये अंदर जाती है, फिर तो वापस घूम के ये सीधे चले जाती है, फिर वो ऊपर है, फिर ये ऊपर जाती है यहाँ से, और फिर ये जो आप देख रहे हो ये शेड है, इसमें ये यू मतलब zigzag होते, ये है मंदिर, यहाँ पे जाती है। तो कम से कम 2-3 घंटे लगने वाले हैं मेरे अंदाजे से, तो चलो देखते हैं। अभी आए हैं तो माता के दर्शन करके जाएंगे। आप ये देख रहे हो ये जो पानी गिर रहा है, यहाँ से काफ़ी सारा पानी गिरा था पिछले साल, और अब ये बैरिकेडिंग किया है, शायद से ऊपर से पत्थर गिरते रहेंगे इसलिए बैरिकेडिंग किया यहाँ पे। पिछले साल ये बैरिकेडिंग नहीं था। So guys, आप देख सकते हो ये भीड़ है, अभी भी हम लाइन में ही हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है। भाई, अभी हम ये एनक्लोजर में आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ से अभी ये फिर से लाइन zigzag। गाइस, हम अभी मंदिर के नज़दीक आ गए, अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। सो गाइस, दर्शन हो चुके हैं हमारे, हम लोग बाहर आ चुके हैं। काफ़ी मतलब इतनी देर लाइन में लगने के बाद दर्शन इतने फटाफट हुए, मतलब बहुत भीड़ है इसके लिए, मैं समझ सकता हूँ कि उन लोग ज़्यादा देर रुकने अंदर देंगे नहीं। तो चलो कोई नहीं, किसी दिन फुर्सत में आएंगे।
एक्चुअली अभी तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, 10 बज चुके हैं, काफ़ी भूख लगी है, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कहीं पे मोस्ट प्रोबेबली हम मनशक्ति जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता रहेगा मनशक्ति क्या है। मनशक्ति जगह है जहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मिलता है लोनावला में, तो यूजुअली यहाँ से जब हम क्रॉस करते हैं तो वहीं पर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो फिर मिलते हैं सीधा मनशक्ति में। गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी सारी भीड़ है, मतलब नवरात्र में स्पेशली इकवेरा में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। दोस्तों देख सकते हो अभी भी ये लाइन और बढ़ रही है, सुबह हमने यहाँ से लाइन लगाई थी लेकिन अभी लग रही है कि काफ़ी आगे तक गई है, बहुत लोग आए हैं और वीकडे है, सोचो वीकडे को इतनी भीड़ है तो वीकेंड को क्या होगा, मतलब सैटरडे संडे यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। आप देख सकते हो भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, लाइन इतनी लंबी हो चुकी है कि बेहिसाब है। आप सोचो हमको करीब 2 घंटे लगे दर्शन के लिए, इनका कभी होएगा पता नहीं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मनशक्ति, जहाँ पे मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करता हूँ। 11:30 हो रहे हैं लेकिन ब्रेकफास्ट किया नहीं, तो यहाँ पे एक क्विक बाइट करते हैं फिर जैसे फिर यहाँ से घर पे निकलेंगे। और जैसे मैंने कहा था यहाँ का ब्रेकफास्ट ज़बरदस्त है, नंबर 1। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी मिशन, ये पाओ। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से सीधा घर चलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो थम्स अप ज़रूर देना। तब तक के लिए गुड बाय।